जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदिल टीपू आई टेक नेट्स की जानिब से। आज हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे जो कि है गूगल स्टोरेज सर्विसेज। ठीक है, तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ लोकल एसएसडी। ठीक है, लोकल एसएसडी बेसिकली क्या है, ये फिजिकली अटैच होती है उस सर्वर के साथ जिस पे आपके वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस रन कर रहे होते हैं। इसके फीचर्स देखते हैं, ये क्या फीचर होल्ड करती है। ये टाइटली कपल्ड होती है फिजिकल सर्वर के साथ, जैसे ऊपर अभी हमने देखा, ताकि उससे हमें बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। ठीक है, जो हमारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जिनको हम आमतौर पर आईओप्स भी कहते हैं, वो मैक्सिमम हो और हमें ज़्यादा बेहतर लेटेंसी मिले। यानी कि लो लेटेंसी मीन्स बेटर स्पीड, और अगर हम कोई जो ब्लॉक स्टोरेज के ऑप्शंस यूज करते हैं दूसरे, उनसे काफ़ी बेहतर होती है। हर लोकल एसएसडी 375 GB की होती है। आप इसके साथ 24 लोकल एसएसडी की पार्टीशंस अटैच कर सकते हैं। आप इसको फॉर्मेट करके और कई लोकल एसएसडी पार्टीशंस को एक लॉजिकल वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास ये डिफरेंट पार्टीशंस हैं, 1, 2 एंड 3, आप इनको लॉजिकली एक यूनिट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि लॉजिकल में वो एक सिंगल यूनिट बन जाएगा। लोकल एसएसडी जो डिजाइन की जाती है टेम्पररी स्टोरेज के लिए, ठीक है, जो कि उन वर्कलोड्स के लिए बेहतर है जैसा कि मीडिया रेंडरिंग, डाटा एनालिटिक्स, कैशेस और प्रोसेसिंग स्पेस के लिए। ठीक है, तो इसका जो बेसिक मकसद है, जो वर्कलोड्स हैं वो इस किस्म के हो सकते हैं। जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो डेटा स्टोर किया जाता है जीसीपी इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो ऑटोमेटिकली इनक्रिप्ट होता है। ठीक है, जो कि आपका रेस्ट फेज में होगा, और आपकी लोकल एसएसडी भी इनक्रिप्टेड होगी। जो परफॉर्मेंस है इसकी, वो बेहतर हो जाती है, लेकिन इसके कुछ आप नेगेटिव पॉइंट्स या ट्रेड ऑफ्स हैं, जैसे कि उसकी अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो हैं उसमें आपको ट्रेड ऑफ के तौर पर देखने को मिल सकती हैं। स्टोरेज जो है वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं करती, और तमाम डेटा जो कि आपका लोकल एसएसडी पर होगा वो जाया हो सकता है अगर वो इंस्टेंस किसी भी वजह से रुक जाती है। ठीक है, आप इसको बंद नहीं कर सकते और रीस्टार्ट नहीं कर सकते जिसके साथ एक लोकल एसएसडी अटैच हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि उसका डाटा जो है वो तमाम का तमाम जाया हो जाएगा किसी भी वजह से अगर वो रुकती है। अगर आप उसको बंद कर देते हैं जो कि एक लोकल एसएसडी के जरिए गेस्ट ओएस को चला रहा है, तो आप उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपका डाटा ऑलरेडी जो है वो वहां से खत्म हो चुका है और उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और वो उसको रिस्टार्ट करने में नाकाम रहेगा। परसिस्टेंट डिस्क, ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब साबित कदम या ज्यादा देर पा है एज कम्पेयर टू लोकल एसएसडी। ठीक है, ये ड्यूरेबल नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कि आपकी तमाम वर्चुअल मशीनों के इंस्टेंस को प्रोविजन करती हैं, ताकि वो अगर वीएम इंस्टेंस आप बंद भी करें तो दोबारा उसी हालत में आपको अवेलेबल हो सके। फीचर्स की बात करते हैं जी इस पे, कि किसी भी परसिस्टेंट डिस्क पे जो डेटा है वो फिजिकल सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और वो हाई ड्यूरेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। इसके अलावा जो आपका डेटा है वो रिडंडेंट होगा, ताकि उसमें आपका डेटा जो है वो अच्छे तरीके से महफूज रह सके। परसिस्टेंट डिस्क जो है वो रिसाइजेबल होती हैं, यानी कि आप उनका जो है साइज बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी ज़्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। नहीं जी, इसको हम अटैच कर सकते हैं वर्चुअल मशीन जो कि आपके जीसीई या जीकेई कुबरनेटिस किसी एक पर भी चल रही हो, उनको भी अटैच किया जा सकता है इसके साथ। आप एक परसिस्टेंट डिस्क को जो कि किसी और प्रोजेक्ट पर हो उसके साथ अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 हैं, तो आप यहां का स्टोर इसके वीएम के साथ अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसी तरह जो आपका स्टोरेज है ये इंडिपेंडेंट है वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस से, तो अगर आप उनको मूव करते भी हैं तो आपकी पोजिशन डिस्क जो है वो मूव हो सकती है,
और आपका डेटा उसमें उसी तरह से सेव रहता है, चाहे आपने अपनी इंस्टेंस को डिलीट भी कर दिया हो। आप इसका साइज इंक्रीमेंटल लेवल पर चेंज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। तो इंक्रीमेंटल इन स्पेसिफिक स्टेजेस से, अगर ये 2 GB था तो 2 से आप इसको 4 पर ले जाएं, ठीक है, 4 से आप इसको 8 पर ले जाएं, सो एंड सो फोर्थ, यानी कि ये इंक्रीमेंटल होगा और आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जी, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जाने। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। पहली है जी जोनल एंड रीजनल पोजिशन डेस्क। तो देखते हैं कि जो हमारी पोजिशन डेस्क होती हैं वो जोनल भी हो सकती हैं और रीजनल भी हो सकती हैं। जोनल डेस्क कौन सी हैं? ये फास्टर होंगी क्योंकि ये आपके सेम जोन में होंगी, तो इसलिए उनकी लेटेंसी कम होगी। जबकि जो रीजनल डिस्क हैं ये आपकी रेप्लिकेशन के लिए काम आती हैं, 2 जोन्स के दरमियान विद इन द सेम रीजन, ठीक है, जो कि हम बात पहले डिटेल में कर चुके हैं। और ये डिज़ाइन की जाती हैं रोबस्ट और हाईली अवेलेबल सिस्टम के लिए, जो कि आपके कंप्यूट इंजन पर रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं जी। पर्सिस्टेंट डिस्क की टाइप्स क्या हैं? ठीक है, सबसे पहली है जी स्टैंडर्ड, पीडी स्टैंडर्ड कहा जाता है इसको। ये एक सिंपल हार्ड ड्राइव से बैक की गई होती है, यानी कि इसके अंदर सिंपल हार्ड डिस्क इंस्टॉल की गई होती हैं। ये काफ़ी एफिशिएंट भी हैं और इकोनॉमिकल भी हैं, अगर आपके सिक्वेंशियल रीड और ऑपरेशन जो हैं वो नॉर्मल तरीके से चलते हैं। बट ये ज्यादा लोड या ज्यादा रैंडम इनपुट आउटपुट आईओप्स जिनको हम कहते हैं को हैंडल नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास है सेकेंड टाइप, विच इज बैलेंस्ड एंड एसएसडी डिस्क, ठीक है। जैसा कि ये बताया गया कि सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, इनके आईओप्स जो हैं ज्यादा बेहतर होते हैं और इनकी स्पीड ज्यादा बेहतर होती है। इसकी जो प्रेजिस्टेंस की लेटेंसी है, प्रेजिस्टेंट डिस्क एसएसडी की लेटेंसी है, वो सिंगल डिजिट मिलीसेकंड लेटेंसीज में आती है, यानी कि 1 ms से लेकर 9 ms के दरमियान होगी, जो कि आपकी इस हार्ड ड्राइव से बहुत बेहतर है, जो कि डबल डिजिट इवन के ट्रिपल डिजिट में भी जा सकती है फॉर सम टाइम्स, ठीक है जी। तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एनक्रिप्शन, प्रेजिस्टेंट डिस्क के ऊपर जो हमारी इंक्रिप्शन है वो ऑटोमेटिकली रेस्ट टाइम में और ट्रांजिट टाइम में सिस्टम की तरफ से डिफाइन की जाती है। और इसकी जो इंक्रिप्शन कीज हैं 2 तरह से आ सकती हैं, या गूगल उसको खुद डिफाइन कर दे, या फिर आप यानी कि कस्टमर जो भी है या कंपनी है वो खुद भी उसको डिफाइन कर सकती है। लेकिन नॉर्मली हम गूगल के साथ भी जा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो उसके लिए आप कस्टमर यानी कि खुद भी उसकी कीज को सप्लाई कर सकते हैं। इससे हमें जो अपना डेटा इंक्रिप्शन है उस पर कंट्रोल ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल जाता है। इसके अलावा जो आप अपनी प्रेजिस्टेंट डिस्क क्रिएट करते हैं अपनी जाती कीज के साथ, ठीक है, यानी कि वो आपको और बेहतर कंट्रोल दे देगी कि जब तक आप वो किसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो उस प्रेजिस्टेंट डिस्क को यूज नहीं कर पाएगा। मूव ऑन करते हैं जी आगे, स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स बेसिकली प्रेजिस्टेंट डिस्क जो है वो अपने क्रिएट करती है ताकि किसी भी डेटा लॉस के अगेंस्ट बचा जा सके। स्नैपशॉट अगर हम बात करें विंडोज की, तो उसके अंदर एक फीचर जिससे आप रिस्टोर पॉइंट कहते हैं से वाकिफ होंगे, ये सेम स्नैपशॉट की तरह ही है, यानी कि एक खास पॉइंट पर एक खास टाइम एंड डेट के साथ वो उसको बैकअप कर लेता है ताकि किसी भी मसले की सूरत में वो उस पॉइंट पर जाके उस बैकअप को दोबारा यूज करके उसको वापस रिस्टोर कर सके, ठीक है। तो इस तरह आपका जो डेटा लॉस है वो मिनिमाइज हो जाता है, जीरो नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने 2 या 3 दिन काम कर लिया तो शायद वो लॉस हो जाए, लेकिन उससे पॉइंट पे जिस पे आपने उसको क्रिएट किया है वहां तक आपको तमाम डेटा अवेलेबल होगा या वर्किंग स्टेट अवेलेबल होगी, ठीक है।
स्नैपशॉट जो है वो इंक्रीमेंटल होते हैं और चंद मिनट लेते हैं वो क्रिएट करने में, तो इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इनको क्रिएट करना। चाहे वो रनिंग स्टेट में भी हो इंस्टेंसेस आपकी, उसमें स्नैपशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको अपने स्नैपशॉट जो है वो लाजमी स्केड्यूल करने चाहिए ताकि आपका डेटा रेगुलर बेसिस पर बैकअप होता रहे और आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। ये कंपनी पॉलिसी भी हो सकती है, डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की जाने, इसकी प्राइसिंग क्या है। ठीक है जी, इसको जब हम प्रोविजन करते हैं ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, अमाउंट एंड लोकेशन ऑफ प्रोविजन स्पेस पर डिस्क, स्नैपशॉट का स्टोरेज और उसके बाद नेटवर्क चार्जेस उस स्नैपशॉट को क्रिएट करने के जो इनकर होंगे। तो ये तीनों मिलकर उसकी प्राइस को डिसाइड करते हैं। जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके प्राइसिंग कैलकुलेटर में ये तीनों चीज़ें अपीयर हो जाएंगी और आप इनको सिलेक्शन करने के बाद देख सकते हैं कि आपको क्या कॉस्ट आएगी। मूव ऑन करते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानेब, दैट इज गूगल क्लाउड फाइल स्टोर। ठीक है जी, ये एक फुली मैनेज NFS फाइल सर्वर है गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे, जो कि कंप्यूट इंजन और गूगल कुबरनेटिस इंस्टेंसेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो इसका यूजेज है वो मीडिया रेंडरिंग, डेटा एनालिटिक्स और शेयर्ड कंटेंट को मैनेज करने के लिए किया जाता है। मूव ऑन करते हैं इसके फीचर्स की जाने, ये एक सिंपल, फास्ट, तेज, कंसिस्टेंट यानी कि देरपा, स्केलेबल और इंतहाई आसान तरीके से इस्तेमाल होने वाली नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, यानी कि जिसको हम आमतौर पर NAS भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको काफ़ी इजी मैनेजेबल जो है वो एक्सेस फराहम करती है उस स्टोरेज के लिए। इसमें आप अपना जो है डेटा कॉपी कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज टू अ फाइल स्टोर, फाइल शेयर, जो के माउंटेड हो किसी भी एक कंप्यूट इंजन के इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है, इसका जो डेटा है वो इनक्रिप्शन जब ये क्रिएट होगी रेस्ट पोजिशन में और जब इसका डेटा ट्रांजिट में होगा विद सिस्टम डिफाइंड यानी कि गूगल डिफाइंड या कस्टमर सप्लाइड कीज़ के साथ उसको जो है वो आप मूव भी कर सकते हैं। फाइल स्टोर की इंस्टेंसेस जो होती हैं वो जोन बेस्ड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ इन जोन स्टोरेज रिडंडेंसी होती है, यानी कि उसी जोन के अंदर आप रिडंडेंसी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी कि ये टाइटली इंटीग्रेटेड होती हैं GKE के साथ, ताकि जो कंटेनर्स हैं वो एक दूसरे से शेयर डाटा को आसानी से रेफरेंस कर सकें, यानी कि एक्सचेंज कर सकें या उसको रीड कर सकें या उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो उसको आसानी से हैंडल कर लें। इसको आप आसानी से बढ़ा और कम कर सकते हैं फायर स्टोर को विया गूगल क्लाउड कंसोल, जो कि आपको ग्राफिकल में है। इसके अलावा जी क्लाउड की कमांड लाइन और API बेस्ड कंट्रोल्स के जरिए भी इसको आप मैनेज कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, फाइल स्टोर परफॉर्मेंस सर्विस टीयर्स। ठीक है, अब जैसे हमने पीछे देखा था इसके सर्विस टीयर्स कौन कौन से हैं, इसमें तीन तरह के सर्विस टीयर हैं। पहला है जी बेसिक HTT, जो कि एक जनरल पर्पस टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये निस्बतन स्लो रीड और राइट रखते हैं। फिर हमारे पास बेसिक SSD आता है, ये हाई परफॉर्मेंस होते हैं लेकिन इनकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। देन हमारे पास है जी हाई स्केल SSD, जो कि हाई परफॉर्मेंस और लार्ज कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, इसमें आप टेराबाइट्स में भी जा सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट, तो इसमें किसी किस्म की आपको लिमिटेशंस का सामना नहीं करना पड़ता। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप वर्कलोड और स्पेस को बढ़ाएंगे तो आपकी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से थोड़ा ऊपर जाएगी। मूव ऑन करते हैं जी इसकी प्राइसिंग को, आप थोड़ा डिटेल में देखते हैं ये किन चीज़ों पर बेस करती है, किस सर्वर टीयर को आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, बेसिक है, बेसिक प्रीमियम है, ये हाई स्केल SSD है, उसकी कैपेसिटी क्या है। ऑब्वियसली उसका साइज जो है वो मैटर करेगा, 512 GB, 1 TB या जो भी साइज आप सिलेक्ट करते हैं, और उसका रीजन, ठीक है, जहां पे वो इंस्टेंस प्रोविजन की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्राइस जो है वो डिटरमिन
की जा रही होती है। देन अब बात करते हैं जी कि इसमें इनग्रेस ट्रैफिक के कोई चार्जेस नहीं हैं, इसी तरह से ईग्रेस के ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं है अगर वो सेम जोन में इंस्टेंस मौजूद हो फाइल स्टोर का, यानी कि अगर हम उसको आइवा में बनाते हैं और वहीं से इनग्रेस और आउटग्रेस उसका नोट करते हैं तो वहां पर हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आप फाइल स्टोर जहां से नेटवर्क ट्रैफिक बाहर जा रही है, फॉर इंस्टेंस आइवा से हम टोक्यो आ जाते हैं, ठीक है, अब चूंकि ये जोन चेंज हो गया, इवन कि यहाँ पे रीजन भी चेंज हो गया, तो रीजन और जोन दोनों चेंज हो गए हैं, ठीक है, तो उस सूरत में हमें उसके चार्जेस पे करना पड़ेंगे, ठीक है, उस नेटवर्क ट्रैफिक के जो कि एक जोन से निकलकर दूसरे जोन या दूसरे रीजन में मूव ऑन कर रही है। मूव ऑन करते हैं जी अगले टॉपिक की जाने, दैट इज गूगल क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है जो कि स्टोर करता है डेटा विद इन द बकेट्स, ठीक है, बकेट्स के अंदर, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस किस्म से हो सकता है, आप एक कंप्यूट इंजन लेते हैं, उस पर बिगक्वेरी लगाई है, उस पर आपने बिलिंग इनेबल की है, उसके बाद आपकी मॉनिटरिंग भी चल रही है, और उसके साथ एक क्लाउड स्टोरेज जो है आपने लिया है जिसके अंदर आपकी एक बकेट क्रिएट होगी और उसके अंदर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, दे कुड बी एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम पिक्स टू आपकी मूवीज हैं, आपका MP3 है, कोई और डेटा है, जो भी डेटा आप रखना चाहें दैट इज ऑल देयर जो कि आप उसके अंदर रख सकते हैं। मूव ऑन करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की जाने और देखते हैं कि अब बाकी चीजों की डिटेल्स क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है बकेट्स, डेटा जो आप क्लाउड स्टोरेज में डालते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है एक इम्यूटेबल पीस ऑफ डेटा है जो कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे पीछे आपको बताया आप अपने ऑब्जेक्ट को कंटेनर्स में रखते हैं जिनको हम बकेट्स कहते हैं, ठीक है, तमाम बकेट्स किसी एक प्रोजेक्ट के साथ बिलोंग कर सकती हैं, इसके अलावा एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा बकेट्स भी क्रिएट की जा सकती हैं, इसके ऊपर कोई ममानियत नहीं है। हम अपने क्लाउड स्टोरेज बकेट को एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक बकेट है, ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ भी एक डेटा की फॉर्म रख देते हैं, कुड बी एनीथिंग, हम यहाँ पर एक जेपैग मान लेते हैं, तो ये जो जेपैग है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसा कि हमने यहां कहा, जो ये कंटेनर है इसको हम बकेट कहते हैं, इसका ये जो फॉर्मेट है वो कुछ भी हो सकता है, और ये बकेट प्रोजेक्ट वन के साथ अटैच होगी, ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के साथ हम एक और कंटेनर या एक और बकेट टू भी अटैच कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा बकेट्स भी अटैच की जा सकती हैं, और हो सकता है कि हमारी बकेट टू हमारी एक .com स्टैटिक पेज को डोमेन को होस्ट कर रही हो, तो इस तरीके से हम बकेट्स का यूज कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं जी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की जाने, बकेट की जो कॉन्फ़िगरेशंस है सबसे पहले इसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, आप इसकी ट्रिगर डाटा डिलीशन ट्रांजिशन चीपर स्टोरेज की तरफ मूव करना सब इसमें शामिल है। इसमें आप वर्जनिंग कर सकते हैं, वर्जनिंग बेसिकली क्या है, अगर आपने डेटा अपलोड किया है उसके बाद आप कुछ चेंज करके उसमें एक और डेटा अपलोड करते हैं तो उस पिछली कॉपी को जो कि ओवरराइट हुई या डिलीट हुई उसकी एक कॉपी एज अ वर्जन अपने पास रखती है। देन हम रिटेंशन की बात करते हैं कि हम मिनिमम रिटेंशन पीरियड यानी कि किसी भी चीज़ को कितनी देर तक अपने पास रखा जाएगा भी डिफाइन कर सकते हैं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन घंटे महीने, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी। ऑब्जेक्ट होल्ड्स,
और किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी एक इंतहाई वीआईपी टाइप डेटा को डिलीशन से बचाने के लिए ऑब्जेक्ट होल्ड का ऑप्शन भी यूज किया जा सकता है, ताकि वो गलती से भी कोई डिलीट करना चाहे तो ना हो। एनक्रिप्शन कीज की बात करते हैं तो कस्टमर मैनेज भी हो सकती हैं और कस्टमर सप्लाइड भी हो सकती हैं। इसी तरह से एक्सेस परमिशंस, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है हमारे पास, जिनको हम ACLs कहते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म बकेट लेवल एक्सेस यानी कि पूरी बकेट के ऊपर एक्सेस देना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट या बकेट लेवल परमिशंस को सेट करना भी हमारे एक्सेस परमिशंस के अंदर आता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं जी आगे। अब हम देखते हैं स्टोरेज की क्लासेस क्या हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं जी स्टैंडर्ड स्टोरेज। ये बेसिकली हमारी मोस्ट कॉमन है, ठीक है। हॉट डेटा से मुराद हम यहां लेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जाता है, यानी कि अगर आप एक वेब पेज को रन कर रहे हैं तो वो डेटा रोजाना कई कस्टमर देखते हैं, तो वो आपका एक तरह से हॉट डेटा होगा, या एक ऐसा डेटाबेस जो कि डेली बेसिस पर अपडेट होना है वो भी आपका हॉट डेटा में आएगा, तो वो आप स्टैंडर्ड स्टोरेज यूज करते हैं। देन हम बात करते हैं नियर लाइन स्टोरेज, ठीक है। ये तब यूज किया जाता है जब आपको एक डेटा की जरूरत विद इन अ मंथ पड़े, ठीक है, और आप इसको एक बार या उससे कम या दो बार यूज करना चाहें, तो इस तरीके से आप जो नियर लाइन स्टोरेज है उसको यूज करते हैं। देन है जी हमारे पास कोल्ड लाइन स्टोरेज। ये एक लो कॉस्ट स्टोरेज ऑप्शन है। ये इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा के लिए यूज किया जाता है जो कि 90 डेज से पहले इस्तेमाल ना किया जाए, ठीक है। विद इन 90 डेज आप शायद उसको एक बार टच करें, यानी कि एवरी क्वार्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ साल में उसको 4 बार ही एक्सेस करना है फॉर फाइनल रिपोर्ट, समथिंग लाइक दैट। तो आप वो कोल्ड लाइन स्टोरेज में रख सकते हैं। देन लास्ट है जी हमारे पास आर्काइव स्टोरेज। ये सबसे कोल्ड स्टोरेज या सबसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, ठीक है। ये आर्काइविंग के लिए यूज किया जाता है, डिजास्टर रिकवरी डेटा के लिए यूज किया जाता है, और इसको साल में शायद एक बार या वो भी एक्सेस ना किया जाए, या सिर्फ डेटा लॉस या डिजास्टर रिकवरी की सूरत में उस डेटा को इस्तेमाल किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड आर्काइव स्टोरेज। मूव ऑन करते हैं जी अगले टॉपिक की जानिब, दैट इज गूगल स्टोरेज यूटिलिटी टूल। ये एक पाइथन एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि आपको एनेबल करती है अपना क्लाउड स्टोरेज मैनेज करने का फ्रॉम कमांड लाइन और सिंपली नोन एज CLI, ठीक है। GS यूटिल को हम क्या कर सकते हैं जी, उसके जरिए हम क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं बकेट्स को, उनके अंदर ऑब्जेक्ट्स को अपलोड डाउनलोड या डिलीट कर सकते हैं, बकेट्स या ऑब्जेक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मूव कॉपी या रीनेम कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट को एडिट या बकेट के ऊपर ACL या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं यूजिंग द कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। GS यूटिल से तमाम ऑपरेशन HTTPS या TLS
तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है, इंशाल्लाह आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।